गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज है गोवा में डे 7 और आज हम निकल पड़े हैं नॉर्थ गोवा के टॉप 5 बीचेस को एक्सप्लोर करने। सो गाइज, फर्स्ट हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं सिंक्वेरियम बीच, जो कि हम दोनों का ही बहुत ही फेवरेट एक बीच है। फेवरेट इसलिए है क्योंकि ये बीच हमेशा सेक्लूडेड रहता है। राइट, पीछे देखो बैकग्राउंड में कोकोनट ट्रीज है, व्हाइट सैंड, ब्लू वाटर्स, पजल सॉल्ट, और क्या चाहिए इंसान को। और हाँ, बीच बेड हेडफोन लगाओ और गाना सुनो। कंदोलिम बीच पार्किंग एरिया, और पीछे जो आपको जो रास्ता दिख रहा है वो सीधा जा रहा है बीच की तरफ। और ये जो रास्ता इस साइड जा रहा है, इधर मार्केट मिलेगा आपको, दोनों साइड में मार्केट है। वहाँ से आप टी शर्ट, गॉगल्स, शॉर्ट्स, चप्पल सब कुछ खरीद सकते, स्विम वेयर, ठीक है, सब कुछ, आर्टिफैक्ट सब कुछ आपको यहीं से मिलेगा। तो पैसा खर्च करने का मौका मिल जाएगा आप लोगों को, है ना। तो चलिए बीच एंजॉय करते हैं। इसलिए ही फैमिलीज एंड फॉरेनर्स इसे पसंद करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। और बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं, सैंड कैसल बना सकते हैं, है ना। बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है। और इसके बाद हम लोग जाएंगे कैलंगुट बीच, जिसको क्वीन ऑफ बीचेस माना जाता है, वो भी बहुत ही सुंदर है। तो चलिए देखते हैं। सो गाइस, वी आर एट कैलंगुट बीच। और ये बीच मतलब पूरा पैक्ड रहता है, मतलब पूरा आप जिधर देखो उधर इंसान ही इंसान दिखेंगे आपको, ठीक है। मिक्स्ड अप क्राउड है यहाँ पे। अगर आप आना चाहते हो तो अभी इस सिचुएशन में मास्क पहन के रखो। हमने भी पहना था शूट के लिए, ओपन किया, ये देखो मास्क हमने भी पहना था। हाँ जी, मास्क पहनना बहुत, तो मास्क इम्पोर्टेंट है बहुत ही अभी। और मिक्स्ड अप क्राउड रहता है। वैसे तो इसको जाना जाता है क्वीन ऑफ बीचेस के नाम से, बहुत ही ब्यूटीफुल बीच है, मगर पूरा पैक्ड रहता है।
गाइज अभी हम लोग सीधा कलंगुट बीच से जंप करके आ गए हैं बागा बीच में, और ये बीच बेसिकली यू नो पार्टीज, क्लबिंग और नाइट लाइफ के लिए फेमस है। बेसिकली ये बीच एक यंगस्टर बीच है। कहने का मतलब है कि हर कोई अच्छा अच्छा क्लब, रेप्यूटेड क्लब इसी एरिया में है। पार्टीज 3 AM इन द मॉर्निंग तक चलते हैं, तो इसीलिए इसको यंगस्टर्स बीच बोला जाता है। और इधर आजू बाजू में जो रूम्स है वो भी थोड़ा लेस प्राइसी होता है कंपेयर टू कलंगुट एंड कांदोलिम। और गाइज ये बीच हमने पहले भी दिखाई है, हम लोग का एक अर्चना वाली वीडियो है वहाँ पे दिखाई है। इस बीच का नाइट लाइफ मतलब नाइट व्यू दिखाई है, ये बीच नाइट में कैसा लगता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लीजिए जाके, बहुत ही अच्छा वीडियो है। और ये लिंक मैं इस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हो। अभी हम लोग आ गए हैं बागा बीच के बाद अंजुना बीच में, पीछे है अंजुना बीच आप देख सकते हो। और अगर आपको अंजुना बीच में नहाना है तो इस तरफ तो आप बिल्कुल नहा नहीं सकते क्योंकि पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे रॉक्स है। अगर आपको नहाना है तो उस तरफ आपको जाना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये यहाँ पे वेडनेसडे को एक फ्ली मार्केट बैठते हैं, उस वजह से ये बीच और भी फेमस है। हम भी यहाँ पे आए थे, बहुत सारी शॉपिंग भी किए थे, और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। सो गाइज अभी हम करने वाले हैं इस बीच को एक्सप्लोर। फॉलो
कलर्स ऑफ नॉर्थ गोवा। ये वीडियो अगर आपने पूरा देखा हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत किया है यार ये वीडियो बनाने के लिए। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उसके पास जो एक बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोज़ अपलोड करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।